वेलकम बैक एग्जामिनी दिवा। आपके अपने चैनल एग्जामिनी दिवा पे मोस्ट वेलकम है। काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ और आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं दिया वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। इसका रीजन ये है, मेरी एनटीपीसी की एग्जाम थी 1 फरवरी को, सॉरी हाँ 1 फरवरी को। उसके बाद मैं घर चली आई हूँ और मेरी तबीयत खराब हो गई है, जो अभी आप लोगों को आवाज से लग ही रही होगी। तो इस वजह से अभी मैं कुछ दिन और घर पर रहने वाली हूँ, जब तक तबीयत ठीक ना हो जाए। जो थोड़ा चैन से जी लेती हूँ, चैन से आराम से मज़े से जो भी करने का मन हो कर लेती हूँ, फिर ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी घर जैसी। और मेरा चैनल का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को डिमोटिवेट करे किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी जॉब से लेके। जनरली मैं सबको मोटिवेट ही करती हूँ, मोटिवेट करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का है उसको प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी जिस प्रकार का भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एनटीपीसी के पेपर बहुत अच्छे भी नहीं गए और बहुत गंदे भी नहीं गए, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी थी। बिकॉज जब से मेरी ज्वाइनिंग असिस्टेंट लोको पायलट में हुई है तब से मैं थोड़ा कम से प्रैक्टिस कर पा रही थी, करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं थी, वो ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा कम पढ़ रही थी, पढ़ाई नहीं की अच्छे से। तो मैं जो क्वेश्चन बनाई हूँ वो 90 अटेम्प्ट्स की हूँ, उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन जीके के गलत हो जाए, अगर 8 से 9 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे, तो अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन सही होंगे और उसका आप नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि प्री तो हो ही जाना चाहिए, प्री तो नहीं छूटना चाहिए। अगर आप लोग पूछिए तो पेपर बहुत टफ नहीं आए हुए थे, पेपर ठीक ठाक थे, जीके के क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि बनने लायक थे, बट मैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस नहीं की थी, एक्चुअली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई थी अच्छे से, इस वजह से करंट अफेयर्स नहीं बना पाई। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा स्पीड स्लो था, इस वजह से 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट का नहीं देख पाई, जो काफ़ी ईजी थे छूट गए, तो इस वजह से मेरे अटेम्प्ट्स 90 हुए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 90 अटेम्प्ट उतने बुरे भी अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन 93 to 94 अटेम्प्ट किया जा सकता था और मुझे 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जो टाइम की कमी की वजह से छूट गया। एक्चुअली टाइम की कमी होना तो नहीं चाहिए था, बट बताए ना कि मेरा प्रैक्टिस थोड़ा कम था, मैं प्रैक्टिस नहीं की थी काफ़ी दिनों से, तो इस वजह से बस एग्ज़ाम मुझे छोड़ना भी नहीं था, मुझे देना था, इस वजह से मैं चली गई। वैसे ये प्रीलिम्स है, मुझे जहाँ तक लग रहा है प्री निकल जाएगा, उसके बाद मेंस थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से दूंगी और काफ़ी टाइम भी मिलेंगे मेंस में, तो आई होप मैं पढ़ लूँगी तब तक मेंस के लिए अच्छे से। और अब डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में पूछे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे एप्टीट्यूड के 3 to 4 क्वेश्चन से जो थोड़ा लेंथी थे, और थोड़ा सा नहीं होता कि टफ टफ नहीं बोलो, मतलब कि टाइम टेकिंग थे, जो मैंने शुरू में बना ली इस वजह से मेरा टाइम का कमी हो गया लास्ट में। और रीजनिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे और जीके के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लोग नहीं बना सकते या नहीं पता हो जनरली सबको। और करंट अफेयर्स 2019 के आए हुए थे, 2020 से भी थे, 2021 से नहीं थे। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 1 फरवरी को 1st शिफ्ट में था। चलिए काफ़ी सारी बातें मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड कर लिया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सब में किसी ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं और कितने मार्क्स आ जाएंगे, और आपको क्या लगता है आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और आज मेरा आवाज़ थोड़ा फंसा फंसा लग रहा है बिकॉज मुझे काफ़ी सर्दी हो गई है और थोड़ा तबीयत ख़राब है। चलिए बहुत सारी बातें एग्जाम से रिलेटेड हो गए, अब भी घर पे मैं काफ़ी मस्ती कर रही हूँ। मस्ती क्या करूँ, मतलब मज़ा ही आ रहा है, ड्यूटी नहीं जाना पड़ रहा है, मज़े में खाना मिल जा रहा है, बेड पे चाय मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, घर में फैमिली है, मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन भी अभी घर पे है, और अभी मेरी दीदी भी आई हुई है, जो बड़ी दीदी है उनकी शादी हो चुकी है, उनका 2 बाबू है, दोनों बाबू के साथ खेलने में मज़ा आता है। दिन भर तो वही करती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, बाबू के साथ खेलती हूँ और सो जाती हूँ, बस ये मस्ती काफ़ी दिन नहीं चलने वाली, और 1-2 दिन उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा ड्यूटी में। उससे सैलरी से पूछते ही रहते कि असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी कितनी है, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ तक कि सैलरी स्लिप भी डाल दी हूँ, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख ले। यहाँ तक आप लोग पूछते तैयारी कैसे करें, इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं।
इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो अभी तो 2021 हो गई, जो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई है, और अभी पुरानी वाली ज्वाइनिंग सब बची हुई है, तो जैसे ही खत्म कंप्लीट होते ही हो सकता है मे भी आ जाए, लेकिन इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक्सपेक्टेड डेट कब तक आने वाली है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और बार बार ऐसा कमेंट करने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट देख ले, चेक कर ले कौन सा वीडियो मैं बना चुकी हूँ कौन सा नहीं बनाई हूँ, तो मुझे बार बार रिप्लाई देने में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एक एक को रिप्लाई देना पड़ता है, ये वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पे बना चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख ले। तीसरी बात, आप लोग बार बार पूछते कि मैम आप कौन से बोर्ड से हो, कहाँ पे पोस्टिंग हुई है, कौन से स्टेट से हो, तो थोड़ा सब्र रखिए, मैं सारा कुछ बता दूंगी। ये जान के आप लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाली मैं कौन से बोर्ड से हूँ, कहाँ पे पोस्टेड हूँ, कौन से स्टेट से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपना सारा कंप्लीट डिटेल बता दूंगी आप लोगों को। और अभी एक दो दिन और भी वीडियो नहीं आएंगे, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद से डेली बेसिस पे आएंगे। और ऊपर से मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस लेके आऊँ, बिकॉज बहुत लोगों ने कमेंट्स किया, मेल किया कि क्लास चाहिए, तो उसके लिए मैं इंतजाम कर रही हूँ, सोच रही हूँ, उसके लिए एक टाइम शेड्यूल भी बना रही हूँ। तो अब आप लोगों को कुछ ही टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा क्लासेस के लिए, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोगों को कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए, वो मैं ज़रूर लाऊंगी। जो थोड़ा चैन से जी लेती हूँ, चैन से आराम से मज़े से जो भी करने का मन हो कर लेती हूँ, फिर ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी घर जैसी। और फ्रेंड्स, इस चैनल में जनरली मैं अभी तो स्टेट लोको पायलट के बारे में ही बताती हूँ, बट जो भी बताती हूँ रियल बताती हूँ, और मेरा पर्पज़ कोई डिमोटिवेट करना आप लोगों को नहीं है। मैंने एक दो वीडियो ऐसा बना रखा है कि प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है ये सब, तो आप लोगों को डीमोटिवेट करने के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई डीमोटिवेट हुए हो तो कमेंट ज़रूर करें। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग मेरे वीडियो से जरा भी डीमोटिवेट नहीं होते हो, आप लोगों के कमेंट देख के लगते हैं, अगर होते हो तो ज़रूर बताएं। और जिनका भी ड्रीम्स है वो असिस्टेंट लोको पायलट है, वो कोई भी जिससे डरे नहीं, घबराए नहीं, अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़े, और ज़रूर आए इंडियन रेलवे में। और मेरा चैनल का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को डीमोटिवेट करे किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी जॉब से लेके, जनरली मैं सबको मोटिवेट ही करती हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।